नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वैदिक इंडिया में। दोस्तों, आज मैं कैसे गोंद के बारे में बात करूंगा जिसके सेवन से इंसानों की टूटी हड्डी भी जुड़ जाती है। इस वीडियो में मैं आपको इसके नाम, इसके फायदे व इसके प्रयोग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात करेंगे। इसका नाम छुहारा गोंद है, डेट गम, और कुछ जगह इसे उगम चीड़ व चीड़ी गोंद भी बोलते हैं। ये छुहारे के पेड़ से निकलने वाला गोंद है। ये आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 7 से 8 हजार रुपए किलो के हिसाब से आपको मिलेगा। समय के अनुसार इसकी प्राइस कभी कम तो कभी ज्यादा हो जाती है। अगर ये गोंद आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। तो चलिए अब इसके फायदे जान लेते हैं। अगर किसी इंसान की हड्डी टूट गई हो या फिर उसमें थोड़ा बहुत क्रैक आ गया हो, उस समय इस गोंद का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये वात को कम करता है। अगर आपके जोइंट पेन या फिर कमर दर्द हो रही हो तो इसका प्रयोग आप बेझिझक कर सकते हैं। शरीर के मसल में खिंचाव आ जाने पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे इस गोंद के फायदे। अब बात करेंगे कि इसका प्रयोग किस तरह से करना है, आपको इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो इसका इतना सा टुकड़ा लेना है जिसकी मात्रा 5 से 7 ग्राम होनी चाहिए, और उसे आधा किलो दूध के अंदर डाल के उबालना है। जब दूध आधा रह जाए और गोंद अच्छे से घुल जाए तो दूध को छान करके थोड़ा ठंडा करके रात को सोते समय पीना है। अगर आप बच्चों को पिलाना चाहते हो तो आपको 2 से 3 ग्राम ही गोंद का प्रयोग करना है और उसे इसी तरह से उबाल के प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, बच्चों को पिलाने से पहले आप वैद्य की सलाह जरूर ले लें। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका टेस्ट व इसकी तासीर कैसी होती है। दोस्तों, इसका टेस्ट मीठा होता है और इसकी तासीर काफी ज्यादा गर्म होती है। अब दोस्तों, लास्ट में जान लेते हैं कि किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट औरत को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर काफी ज्यादा गर्म होती है, और जिन लोगों के पेट में गर्मी रहती हो, बवासीर की शिकायत हो या फिर पेट से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी हो तो इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे लाल बटन पे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।